इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, शाहनवाज साहब जिंदाबाद, शाहनवाज साहब तुम आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद शाहनवाज साहब जिंदाबाद, शाहनवाज साहब तुम आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। सर आज आपने ये एक जो रास्ता जा रहा दो चंगा से हिल का इसका इनॉग्रेशन किया, क्या कहना आप इसके बारे में? ये दो चंगा से हिल का क्योंकि ये रिमोटेस्ट एरिया है और यहाँ लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ एक दरिया है जिसको 32 बार लोगों को क्रॉस करना पड़ता था और जब भी पानी ज़्यादा आ जाता था कोई बीमार को लेकर नहीं जा सकते थे, कहीं लोग बह गए और माल मवेशी कितना नुकसान हुआ। तो 70 साल से यहाँ जो है किसी ने यहाँ रास्ता तक नहीं बनाया था। मेरी हिलकाका के लोगों से कमिटमेंट थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो कमिटमेंट पूरी हुई। आज जो है मैंने अपने फंड से जो है वो पैसे रखे थे उसके काम आज जो है दो चंगा टू हिलकाका जो फुटपाथ है वो रास्ता दरिया को बाईपास करते हुए वो तैयार हो गया है। उसी रास्ते से आज जो है हम हिलकाका जो है उसी रास्ते से आए हैं और आज हमने अभी इस रास्ते का इफ्तिताह भी किया है और यहाँ सारे मेरे साथ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स जो हैं R&B डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी हैं और साथ में मेरे BMO सर उनको डॉक्टर तारिक साहब जिन्होंने आज मेडिकल कैंप भी उनको मुबारक हो हिस्ट्री में पहली बार आज यहाँ मेडिकल कैंप भी लगा वो भी इफ्तिताह में साथ हैं और यहाँ हमारे सरपंच जो हैं रोड राइड के जो इनके हिल काका भी उन्हीं जो पंचायत में आता है जनाब आज़म साहब और उसके साथ जो है यहाँ हमारे डीलर जो है रशीद साहब हैं दिलवजीर जी हैं और हमारे जो कंट्रैक्टर जिन्होंने जिनको मुबारक हो इसहाक साहब जिन्होंने बहुत मेहनत करके आज ये रास्ता तैयार किया है। बहुत मुश्किल थी इस रास्ते को तैयार करने में मगर इन्होंने ये रास्ता तैयार किया है, इनको मुबारक। मैं हमेशा ये प्यार मोहब्बत हिलकाका के लोगों का याद रखूँगा। हिलकाका वो इलाका है जो इतना पसमानदा है कि आज के इस दौर में भी ये पिछली सदी का जो है लोग ज़माने की बात आप कर सकते हैं कि अभी भी लोग उसी सदी में जी रहे हैं क्योंकि यहाँ ना तो कम्युनिकेशन है, ना नेटवर्क है, ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, ना उसके अलावा कोई इनके पास सहूलियत है। और हमने एक मिशन शुरू किया था, आज जो यहाँ पे आए तो हमने एक मेडिकल कैंप जो रखा, 70 साल में यहाँ कभी किसी ने कोई मेडिकल कैंप नहीं रखा, पहली बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहकर आज मेडिकल कैंप रखा है और दूर दराज के जो हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग हैं आज उनको यहाँ डॉक्टर्स आए हैं, उन्होंने चेक किया है, मेडिसिन दी हैं। उसके अलावा आज हमने नौजवानों को ताकि इनकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज की जा सके और बड़ा टैलेंट है यहाँ के नौजवानों में, आज हमने क्रिकेट टूर्नामेंट रखा था उसका फाइनल था और यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट भी रखा। इसके अलावा यहाँ के लोगों को जो है जो परेशानियाँ आ रही हैं वो पिछले 1.5 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ कि 70 साल से इन लोगों को कुछ नहीं मिला, इनको इनका हक मिले उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैंने इनको सबसे पहले जो है इनका रास्ता जो है जो इनको इतना यहाँ दरिया 32 जगह क्रॉस करना पड़ता था और ये कई लोग कई बार जो इमरजेंसी में जब जाना पड़ता था बीमारों को लेके तो बह जाते थे और कितने माल मवेशी बह जाता था, तो बाईपास एक रास्ता जो है वो हमने फंड में अपने फ़ंड दे के जो रास्ता बनवाया है वो मुकम्मल हो चुका है, उसका भी हम आज इफ्तिताह करेंगे। उसके अलावा इनकी सड़क का प्रोजेक्ट बनवाया है, इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी 1.5 साल के अंदर जो है वो सड़क मंजूर करवा के इंशाल्लाह लाऊंगा और ताकि यहाँ लोगों को मिल सके। इसके अलावा यहाँ बिजली नहीं है तो मैंने जो है वो इनको सारे फैमिलीज़ को जो है सोलर लाइट्स जो हैं वो पिछले दिनों इनको हिलकाका के लोगों को सोलर लाइट्स दिए ताकि ये बिजली की सहूलियत से महरूम ना रह सके। इसके अलावा यहाँ क्योंकि मोबाइल नेटवर्क नहीं है तो जो राशन का है क्योंकि इनको यहाँ से कुलाली मुड़ा जाना पड़ता था इतने दूर दराज इलाका में क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस की वजह से, तो वो हमने प्रपोजल मूव करवा के मैंने डॉक्टर साहब के पास दे दिया है, जल्दी इनका ऑफलाइन राशन जो है वो हो जाएगा हिलकाका के ताकि इन लोगों को आसानी हो सके। इसके अलावा क्योंकि इनके लोग बहुत गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं और यहाँ APL में थे नाम उनके, वो सारे नाम डाल के जो है दे दिए गए हैं, वो जल्दी 3 महीने के अंदर वो सारे BPL की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा जो कि हेल्थ सेंटर जो है यहाँ पे क्योंकि सब सेंटर है लेकिन यहाँ उसकी कोई बिल्डिंग नहीं है, NHM के थ्रू एक जो है टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो है वो अप्रूव करवाया है जल्दी ताकि यहाँ एक अपना सब सेंटर की बिल्डिंग जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर लग जाए ताकि इन लोगों को आसानी हो सके। स्कूल की हालत भी जो है जो बिल्डिंग है क्योंकि बिल्डिंग की वो ज़रूरत है यहाँ, उसके लिए भी जो है समग्रा के प्लान में इसको प्रोजेक्शन। आज हिलकाका जो सोरनकोट का सबसे रिमोटेस्ट एरिया है
जहां कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, आज पहली बार जो है 70 साल में पहली बार आज यहां पे मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया है। बीएमओ सुरनकोट जो है डॉक्टर तारिक साहब और सारे डॉक्टर्स की टीम और स्टाफ जो है आज सुरनकोट से यहाँ पहुँचा है। हमने मेडिकल कैंप का आज इफ्तिताह किया है। मैं शुक्रिया करता हूँ बीएमओ साहब का और सारे जो डॉक्टर्स की टीम जो इतना दूर से पैदल चल के आए हैं कि आज लोगों की खिदमत के लिए आए हैं, और यहाँ के कितने बुज़ुर्ग हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, नौजवान साथी हैं जिनको कोई मेडिकल फैसिलिटी यहाँ से, क्योंकि सुरनकोट जाने में कितना वक्त लगता है, तो आज यहीं पे ये सारा चेकअप होगा और अलग अलग स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स भी यहाँ पे हैं, वो चेकअप करके यहाँ मेडिसन्स भी सारी दी जाएंगी। इससे मुझे लगता है कि सुरन हिल काका के जो लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और ये भी अनाउंस किया है आने वाले बीएमओ साहब ने भी कि हर साल जो है यहाँ ताकि एक मेडिकल कैंप हो, ताकि लोगों को जब समर्स में यहाँ कंप्लीट लोग होते हैं, लोगों में लोग होते हैं, यहाँ लोगों को उसका फ़ायदा पहुँच सके। इसके अलावा जो है हिल काका में क्योंकि ना बिजली है, यहाँ लोगों को हमने पिछले दिनों सबको मैंने सोलर लाइट सबको प्रोवाइड की हैं। उसके अलावा क्योंकि यहाँ जो है रास्ते में तकरीबन 32 जगह जो है वो दरिया क्रॉस करना पड़ता था लोगों को, और आज तक किसी ने रास्ता तक नहीं बनाया था। लोग कई लोग बह जाते थे दरिया में, बहुत तकलीफ़ होती थी। हमने आज जो मैंने जो है अपने फंड से पैसा रख के टेंडर भी हो गया था और काम मुकम्मल हो गया है। बाईपास दरिया को रास्ता आज जो है लोग बहुत खुश हैं कि वो रास्ता बन गया है। आज उस रास्ते का भी हम इफ्तिताह करेंगे। उसके अलावा क्योंकि ये दूर दराज इलाका है, इतनी खूबसूरत जो है वो वादियां हैं, अगर यहाँ सड़क पहुँच जाए, लोगों की भी तकलीफ़ दूर हो, जो 70 साल से ये लोग इतनी तकलीफ़ में हैं कि आप रोना आता है इनकी कहानियां सुन के। तो रोड कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। मैंने इनका जो प्रोजेक्ट है दोचंगा से हिलका का, वो प्रोजेक्ट रोड का बना के सेक्रेटरी में अप्रूवल के लिए लिया है। मुझे कोशिश है इस साल ना हुआ तो अगले साल ज़रूर उसको अप्रूव करवा के, ताकि ये सड़क बन जाए यहाँ पे, और सड़क अगर बन जाएगी इनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है इनका राशन की प्रॉब्लम थी, यहाँ नेटवर्क मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, तो हमने टेकअप किया है, इसको प्रपोजल मूव कर दिया है कि ताकि ऑफलाइन राशन इन लोगों को मिले, इनको तकलीफ़ ना हो। यहाँ से इनको कुलाली मड़ा जाना पड़ता है राशन लेने के लिए, ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस की वजह से, लेकिन अब वो भी जो है ऑफ हो जाएगा। और जो लोग APL में थे वो BPL में जो है डाल दिए गए, मैंने खुद उनका प्रपोजल भेजा था। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक जो क्योंकि सब सेंटर है यहाँ पे, लेकिन उसकी बिल्डिंग नहीं है, तो मैंने NHM से अप्रूव करवा के एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बिल्डिंग टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर होता है NHM। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info call on 9469888333.